Grande, oh. सारे कट्ठे इधर आइए बीर शंबीर हाँ इधर आइयो तुम इधर आइयो थोड़ा बस ठीक एक मिनट सर एक मिनट ससरे को सामने सामने करो सर जो और उसमें एक फिक्स टेन्योर करें इस साल भी उन्हें पूरा साल भर सारा ट्रांसफ़र का चलता रहा और 8 महीने तक टीचर्स जो हैं वो वेट करते रहे ट्रांसफ़र का। हम चाहते हैं कि हमारे संगठन की ओर से भी हम यही बात चाहते हैं कि एक टाइम फ्रेम किया जाए 1 महीने का 15 दिन का या महीने का समय रख के, तो उसमें सारी ट्रांसफ़रें हो जानी चाहिए और साल में एक बार ही ट्रांसफ़र हो जानी चाहिए दिसंबर और जनवरी के बीच में। तो ये एक हमारा एक मुद्दा है। दूसरा मुद्दा हमारा जो है डीपीसी को लेके, डीपीसी पिछले 2014 से जम्मू कश्मीर के अंदर टीचर्स की डीपीसी नहीं हुई है और जो मास्टर की डीपीसी उन्होंने की है, जो लेक्चरर बनाए हैं प्रिंसिपल बनाए हैं, तो इंचार्जिस प्रिंसिपल कर दिया उसी पे ग्रेड के ऊपर। हम चाहते हैं सरकार से कि उसके ऊपर एक बारी सारा पूरा स्टडी करके, अभी सरकार के जो आंकड़े हैं कि 5000 से ज़्यादा वैकेंसी अभी जम्मू कश्मीर के अंदर खाली हैं, तो जब डीपीसी नहीं होगी तो वो कैसे भरी जाएंगी। तो अभी जो सरकार ने प्रावधान किया है कि वो ढाक पे उनको इंचार्जिज्म करके उसमें उसी पे ग्रेड पे भेज देते हैं, अभी जैसे जेडीयू की पोस्टों को फिल करने के लिए उनके सीनियरिटी के लिए सारी चीज़ें थी, तो एक हेडमास्टर को लगा दिया कहीं पाडर में जाके, वो वही ग्रेड दिया वही पे है वो सारा, वो क्यों जाएगा वहाँ पर। तो डीपीसी को लेके उनकी सैलरी को लेके वो सरकार को बिल्कुल क्लियर उसमें करना चाहिए और तभी हमारा एजुकेशन का स्तर भी बढ़ेगा। ऐसे टीचर्स हैं, टीचर को उसको लेक्चरर बना दिया, प्रिंसिपल बना दिया, उसको ग्रेड नहीं दिया, वो क्यों जाएगा वहाँ पे। तो प्रॉपर उसमें डीपीसी होनी चाहिए और डीपीसी 2014 से लेके 21 तक हुई नहीं है और डीपीसी तो हम ये मांग करते हैं कि साल में 2 बार ही होनी चाहिए डीपीसी। और जम्मू कश्मीर को लेके जो ये डीपी और ट्रांसफ़र को लेके यहाँ पे जितनी सारी चर्चाएं सारी चल रही हैं, तो कुछ चीज़ें अभी ट्रैक पे लाई हैं हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी बीके सिंह जी, अपने डायरेक्टर एजुकेशन अपने आरएस शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी इनिशिएटिव इसमें किया है, तो उस इनिशिएटिव को और उसको थोड़ा वाइड करने की ज़रूरत है। तो मेरे को लगता है कि ये चीज़ें अगर हो जाती हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक अच्छी ट्रांसफ़र पॉलिसी टीचर्स के लिए आ सकती है। दूसरा मुद्दा जो है, जो न्यू पेंशन स्कीम में जो लोग हैं उनकी सैलरी जो है, उनकी सैलरी अभी 2-2 महीने से 4-4 महीने से निकलती नहीं है पिछले।